तो जय श्री कृष्णा, लड्डू बाबू क्रिएटिव ड्रेसिंग चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम चार नंबर कान्हा जी की तिरंगा ड्रेस बनाएंगे। तो मैंने ये तिरंगा जो पट्टी आती है बाज़ार में, जो बच्चों के स्कूलों में उसमें काम आती है, साइड में टांगते हैं इन्हें, तो मैंने वो पट्टी ली है। अगर आप कपड़ा लेना चाहते हैं तो आप कपड़ा भी ले सकते हैं। तो ये पट्टी ले ली है मैंने बाज़ार से। तो इसकी मैंने चौड़ाई इसकी यही है जितनी है, यानी कि 5 इंच इसकी चौड़ाई है। और मैंने लंबाई ली है इसकी 41 इंच, 41.5 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और चौड़ाई 5 इंच। अगर आप कपड़े में से बनाना चाहते हैं, 3 रंग का कपड़ा लाकर, तो उसमें बना सकते हैं। उसमें आप इसे 1.5 इंच पट्टी और ग्रीन वाली 1.5 इंच की, ऐसे करके आप 3 पट्टी काट कर उसे ऐसे सिलकर जोड़कर सीधी, तो आप जब भी कान्हा जी की ड्रेस बना सकते हैं। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। और ये चोली है, चोली की मैंने चौड़ाई ली है 4 इंच। मैं डबल फोल्ड कर दूंगी ऐसे ही हूँ। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है और 11 इंच मैंने इसकी लंबाई लूँगी। जो एक्स्ट्रा है उसे मैं कट कर दूँगी। तो 11 इंच मैं इसकी लंबाई लूँगी और 4 इंच चौड़ाई है 4.5, उससे मैं डबल फोल्ड कर सिलाई लगा दूंगी ऐसे। तैयार करते हैं। तो हम इसे डबल फोल्ड कर सीधी सिलाई लगा लेंगे इसमें, चोली में लगाकर। मैंने ये सीधा कर लिया है, पलट लिया है। अब मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी, जिससे थोड़ी सी नीचे को दब जाए, उठी उठी सी ना रहे हमारी चोली। तो मैं इसमें सिलाई लगा दूंगी, एक इसे हाफ हाफ कर कट कर लूँगी ऐसे, हाफ हाफ कर कट कर लूँगी। तो देखिए मेरे यहाँ 2 कलर आ रहे हैं। अगर मैं इधर करूँगी तो मेरे ये इधर भी 2 कलर आ रहे हैं, इधर भी। तो मैं यहाँ एक ऑरेंज रिबन लगा लूँगी इधर। तो देखिए मैं यहाँ ऑरेंज कलर का रिबन लगा दूँगी, क्योंकि हमारे पास इधर भी 2 कलर आ रहे हैं, इधर भी ऑरेंज। तो मैं चोली पर भी तिरंगा तीनों ही कलर आ जाएंगे चोली पर भी। तो मैं इसी में दूसरे हिस्से पर लगा लूँगी। मैंने ये रिबन लगा दिए हैं। अब मैंने वी शेप पर ऐसे जॉइंट कर दूंगी करके। एक इंच तक हमें जॉइंट करना है, बस 1 इंच तक सिलाई लगानी है। बाजू पे लगा लेंगे दोनों तरफ ऐसे ही करके उल्टी। अब वी शेप में थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हमें बाजू पर भी सिलाई लगा देनी है। दो ऐसे मैं दूसरी तरफ लगा दूंगी ऐसे ही रख कर, और ऐसे इधर लगा दूंगी। तो देखिए चोली हमने रेडी कर ली है। इसे आप 4 और 5 नंबर कान्हा जी तक आराम से बना सकते हैं आप। तो अब हम चलो घेरा तैयार करते हैं। घेरे में हमें कुछ नहीं करना है, घेरे में हमें इसे प्लेटें डाल देनी है बस। मैं इसे पहले इधर से मोड़ दूंगी दोनों साइडों से, थोड़ा थोड़ा इधर से मोड़ दीजिए। चलिए अब प्लेटें डालते हैं। प्लेटें हमें इतनी रखनी है, हमें कान्हा जी कमर 6.5 या 7 इंच रख लेनी है। तो इतनी मैंने कमर रख ली है चोली की, 6.5 या 7 इंच। अब ऐसे पकड़ कर यूँ अब हम इसमें प्लेटें डाल देंगे। तो मैं ऐसे ही पकड़ पकड़ कर इसमें ऐसे ही हूँ, इसलिए दिक्कत हो रही, थोड़ा रपट रहा है ये। तो ऐसे पकड़ पकड़ कर आप इसमें, तो देखिए मैंने फ्रिल डाल ली है। मैंने बाद में, वैसे ये हाथ से ही हो जाएंगी, प्रेस की ज़रूरत नहीं है, पर मैं बाद में प्रेस से सेट कर दूँगी ना। देखिए फ्रिल डल गई हैं इसमें। अब मैं ये चोली को इसके ऊपर रख कर जोड़ दूँगी। चोली को इसके ऊपर रखना है ऐसे, और इसे सीधी सिलाई लगा देनी। नहीं करना था, बस मैंने सीधे इसके ऊपर चोली को रखा है और सीधी सिलाई लगा दी है। ये रहा, ये मैंने इसमें सीधी सिलाई लगा दी है और हमारी सुंदर सी तिरंगा ड्रेस बनकर तैयार है। और देखिए 5 मिनट में रेडी हो गई।
बहुत जरा सी देर लगी है इसे रेडी होने में, कुछ नहीं करना पड़ा इसमें, सिंपल बनाई है मैंने। और आप इसे आसानी से किसी भी टाइम कभी भी बना सकते हैं अपने कान्हा के लिए, और ये थोड़ी सी देर में ही तैयार हो जाएगी। तो देखिए हमारी ड्रेस बनकर रेडी है। आप इस ड्रेस को ज़रूर बनाइए इंडिपेंडेंस डे के लिए, अपने कान्हा के लिए। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।